अमरोहा की नौगावा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी जावेद आब्दी ने कराया नामांकन। जनपद अमरोहा की नौगावा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जावेद आब्दी ने अपना नामांकन कराया। इस दौरान उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी बताया। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की नौगावा विधानसभा से पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद नौगावा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर मुख्य मुकाबले में सपा, बसपा और सत्ताधारी पार्टी भाजपा है। नामांकन के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय सचिव जावेद आब्दी ने अमरोहा सदर विधायक महबूब अली के साथ नामांकन कराया है। मीडिया से बात करते हुए जावेद आब्दी ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का खतरा होता है तब वह बहुजन समाजवादी पार्टी का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आज तक किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या भाजपा सरकार में की है। उन्होंने समाजवादी गठबंधन को किसानों का गठबंधन बताया है। जैसा कि आप जानते हैं कि नौगावा सादात विधानसभा में 3 नवंबर को जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारी सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी को जब जब अपने हारने का यकीन हो जाता है तो वो अपनी बी टीम बहुजन समाज पार्टी को साथ में खड़ा करती है, लेकिन हम 3 नवंबर को इस बार ए टीम को भी साथ में हराएंगे और बी टीम को भी साथ में हराएंगे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है, जो रणनीति है, जो काम करने का तरीका है, वो पहले काम करके दिखाते हैं फिर बताते हैं। हमारी सरकार फीते नहीं काटती, हमारी सरकार धरातल पे काम करती है। आपने देखा होगा कि हमने अपनी सरकार में अमरोहा से नौगावा सड़क बनवाई, नौगावा से थनौरा बनवाई, तहसील बनवाई, ब्लॉक बनवाया और इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया कि बाहर के विदेश के लोग भी आके नौगावा सादात की तारीफ करते हैं। और अधूरे जो हमारे ख्वाब थे, सपने थे, वो भी हम बहुत जल्दी सरकार बनते ही पूरा करेंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल हॉस्पिटल बनाया जाएगा और हर 10 किलोमीटर पे पूरी विधानसभा में हम कॉलेज बनाएंगे लड़कियों का, और हर 10 किलोमीटर पे लड़कों का डिग्री कॉलेज बनाएंगे। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इंडस्ट्री लेके आएंगे ताकि हमारे बेरोजगारों को यहाँ पर घर में ही रोज़गार मिल सके। किसानों की अनदेखी हुई है, 1947 से लेकर आज तक किसी भी सरकार में किसानों ने इतनी आत्महत्या नहीं की जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों ने आत्महत्या की है। दुगना इनकी आय, इनकी मेहनत का दुगना का वादा करके आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिवाय खुदकुशी करने के इस अन्नदाता को अब कोई और रास्ता नहीं रह गया है। कोई इनके बारे में नहीं सोच रहा। जितना ये सरकार की योजनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे धन्ना सेठों को और धन कमाने के रास्ते हमवार कर रही हैं। इसलिए हम अपने नौगावा सादात विधानसभा में जीतने के बाद हमारी 2022 में सरकार हुई तो ये सरकार किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, वंचितों की, डिप्राइव लोगों की सरकार होगी। इसलिए कि हम किसानों के लिए लड़ेंगे और जो ये गठबंधन बना है वो गठबंधन भी किसानों की ही पार्टी का है। समाजवादी पार्टी भी किसानों की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल भी किसानों की पार्टी है और महान दल भी किसानों के हक में खड़ी हुई है। इसलिए हम सब आने वाली सरकार किसानों की सरकार होगी। मुख्यमंत्री जी, अभी जो हाथरस वाले जो मनीषा कांड के बारे में क्या कह रहे हैं, वहाँ पर जो जयंत चौधरी साहब की पुलिस ने लाठी भाजी है और इस तरीके का मामला ऐसा सामने आया जो ऐसा है, जब कोई सच की आवाज़ उठाने के लिए जिस पर लाठी बरसाई जाती है। साइमन कमीशन जब आया अंग्रेजों के ज़माने में तो लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरसाई और लाठियाँ बरसाने के बाद वो लाला लाजपत राय शहीद हो गए, लेकिन उसी लाठियाँ बरसाने के बाद एक नई क्रांति पैदा हुई जिससे भगत सिंह पैदा हुए, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए, जिससे अशफाकुल्लाह पैदा हुए। बिल्कुल जिस तरह लाला लाजपत राय पे साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लाठी चार्ज की गई थी और उसकी कोख से क्रांति ने, नई क्रांति ने जन्म ली। जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत के वारिस हैं, जो उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई हैं। बिल्कुल लाला लाजपत राय की शहादत के बाद और लाठियां चार्ज करने के बाद जो क्रांति पैदा हुई, उसी तरह से जयंत चौधरी जी पे जो लाठियां चार्ज हुई हैं एक नई क्रांति जन्म लेगी और वो किसानों की आवाज़ उठाएगी
वो मजदूरों की आवाज़ उठाएगी और वो 2022 में सरकार बनाकर किसानों की खुशहाली के रास्तों को हमवार करने का काम करेगी। अच्छा मंत्री जी, लास्ट सवाल रह गया, बीजेपी से आप अपना जो है वो मान रहे हैं, जो बीजेपी मुकाबला बीजेपी से भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी आज आखिरी दिन एक दिन पहले तो उनकी समझ में ही नहीं आया था कि हम चुनाव लड़ाएं या नहीं लड़ाएं, इसलिए दो दिन पहले तो उन्होंने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है। हमारी लड़ाई गरीबी से है, हमारी लड़ाई भुखमरी से है, हमारी लड़ाई किसानों पे होने वाले जुल्म से है। भारतीय जनता पार्टी अब कहीं मैदान में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी उसकी बी टीम है। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपने चुनाव के हारने का यकीन होता है, वो अपनी बी टीम को कुछ ना कुछ साजिश करके खड़ा कर देती है, लेकिन हम 3 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ए टीम को भी हराएगी और बी टीम को भी हराएगी। जैसे आप अभी आपने बताया कि बसपा जो है वो इसकी बी टीम है भाजपा की, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में तो आपका खुद का गठबंधन साथ। आप देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक बुरी चीज़ होती है, एक बहुत बुरी चीज़ होती है, तो कभी कभी बहुत बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बुरी चीज़ को अपनाया जाता है, कभी कभी कुछ इलाज करने के लिए कड़वी गोलियां भी खाई जाती हैं।